डियर स्टूडेंट, आइए हम आज सॉल्व करते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 यानी सोशल साइंस एप सीरीज को। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, जैसा कि मैंने कल भी बनाया था वीडियो और आज भी बनाया है, तो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 का एग्ज़ाम में बैठना है। तो इससे पहले आप सभी लोग बिल्कुल तैयारी बना कर रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और आप सभी लोग जाएं तो 100% टच करें, आपको 10-20-50 क्वेश्चन आराम से टच करें और उससे आपके अच्छे नंबर्स मिल सकें। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको टर्म कंडीशन सब कुछ पता होगा। खंड ए सेक्शन ए में 1 से 80 तक दिया है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बाकी 40 छोड़ देना है। 80 दिया है लेकिन अपना सुविधा अनुसार जो आ रहा है क्वेश्चन उसमें 40 का ही आंसर हमको देना है। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा बारदोली आंदोलन के द्वारा दी गई थी, इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें है इसका ऑप्शन होगा सी, यानी खान अब्दुल गफ्फार के नाम, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, मार्टिन चेम्सफोर्ड योजना को। नेक्स्ट, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थिंसिस किसने लिखा था। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि लेनिन ने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसका आंसर होगा ए। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। आंसर होगा सी, दास कैपिटल को कहते हैं। रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया था, बिस्मार्क ने। आंसर होगा सी। आप सभी लोग ध्यान देते रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। यस गाइस, निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर डी, महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। वर्ष 1934 बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। आंसर होगा सी, भूकंप ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित रखता है, किस जोन से संबंधित रखता है। तो इसका होगा जोन फाइव से संबंधित रखता है। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। सुनामी, ऑप्शन होगा सी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। इसका आंसर होगा बी, इंफ्रारेड कैमरा। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ये, 1946 में। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। आंसर सी, घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले सी, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा चिन्ह किया जाता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी UNDA के द्वारा, UNDP के द्वारा। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन नंबर डी। गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? इसका आंसर डी, रैगनर मार्क्स ने। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। ऑप्शन सी, भूल से इसमें भी दे दिया है लेकिन आप ABC करेंगे। वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ऑप्शन सी। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं? आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को कहते हैं, ऑप्शन बी। टैक्सोल का उपयोग होता है? इसका आंसर और कैंसर में होता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, कौन सा स्रोत है? इसका होगा सौर ऊर्जा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, इसका ऑप्शन ए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है, ऑप्शन सी। भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? ऑप्शन सी, एल तरंग। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी को, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, भूल से सीधे दिया है, अब बी कर लेंगे। सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी है? 1919 में बनी थी। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैग्नीज उत्पादन में बोल रहा है अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, उड़ीसा। जबकि उत्पादक में बोलेगा तो आपको मध्य प्रदेश यानी कि बी हो जाएगा, लेकिन अग्रणी बोला है सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे होता है उत्पादक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नेटाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी, इसका ऑप्शन होगा बी, हेमेटाइट। भागड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? बी, सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा, जिसे बी, ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन बी। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह अयस्क उत्पाद बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में बनाया गया था।
इसमें कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसको याद रखेंगे आप। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? रामविलास पासवान जी का है, लोक जनशक्ति पार्टी। नर्मदा नदी घाटी किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन से संबंधित है? तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे डी से, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इनमें से सभी आंसर होगा, इनमें से सभी। वीडियो थोड़ा लंबा बढ़ते जा रहा है, आप टेंशन नहीं लेंगे, आराम से धीरे धीरे आपको करना है और अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बहुत कामयाब चीज़ है। और बीच बीच में आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जर्मन नए राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र, यूएसए। यूएसए ने किया था। टका किस देश की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की है, डी। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? मध्य बिहार ग्रामीण बैंक हुआ था, जिसको 1976 में किया गया था। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? जिला स्तर पर काम करती है, ऑप्शन होगा बी। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? इनमें से सभी ऋण प्रदान करती है, मध्यकालीन से लेकर दीर्घकालीन से लेकर अल्पकालीन तक सभी ऋण प्रदान करती है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा, डी। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए की राजधानी जेनेवा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जेनेवा में है। वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग का काम कर रहे हैं? 35, ऑप्शन बी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली जो कोलकाता और हावड़ा का प्रदेशीय केंद्र है, ऑप्शन डी। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन पूर्वी तटवर्ती रेलवे है, ऑप्शन डी। मिलाते जाएंगे आप सभी लोग, एक बार देखने के बाद आपका क्लियर होगा। एक बार देखें, दो बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सबसे पहले इसको ध्यान देंगे। यानी कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, यानी कि WB, इसको WB भी कहते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन डी, चेन्नई। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? इसमें होगा सभी ईंधन है, क्योंकि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इस प्रकार इसका एक्शन हो जाएगा पूरा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, 100 नंबर दिए।
और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में है दोस्तों। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुआ यहाँ से ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और भी गाइड कर दूँ, ताकि सेक्शन बी में इतिहास का क्वेश्चन है। तो इतिहास में 1 से 6 तक लघु उत्तरियाँ हैं, जिसमें 3 प्रश्न के उत्तर दें, यानी 6 क्वेश्चन में आपको 3 का उत्तर देना है, जो कि 2-2 नंबर का है, यानी 3 × 2 = 6, यानी 6 अंक का है। तो आपको लिखना है मार्च क्रांति के बाद केरन सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार का उद्देश्य क्या था। मात्र आपको 30 से 40 शब्द में लिखना है। इसको लिख देंगे लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई थी, इसको ये लिख देंगे। हो ची मिन्ह मार्ग के क्या उपयोगिता थी, यानी कि 6 में आपको रॉलेट एक्ट से क्या समझ दिए थे, और आसान चीज़ है रॉलेट एक्ट। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए 2 कारणों को बताइए, भी बहुत आसान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी, ये सभी को आप 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 3 का लिखना है, जिसमें से आप जो भी क्वेश्चन आता है 3 हो 2 हो 4 हो नंबर देकर आंसर लिख सकते हैं। अब दीर्घ क्वेश्चन में आइए, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या करना है। तो इसमें 7 और 8 यानी कि 2 क्वेश्चन है, जिसमें से प्रत्येक 4 अंक है, तो कम से कम इसमें 70 से 80 शब्दों में लिखेंगे, ताकि आपको नंबर अच्छा मिले। अंग्रेजी शिक्षा ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो बहुत सारे तरह से यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप ही खुद उसका आंसर ढूंढ लेंगे। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, तो इसको भी आप नोट डिस्कस कर लीजिएगा। राजनीतिक विज्ञान में दिया है 9 से 12, यानी 3 क्वेश्चन है, फिर भी 2 अंक का, 3 × 2 = 6 क्वेश्चन है। सामाजिक विभाजन से आप क्या पढ़ भी पा रहे हैं, इस तरह से 3-3 क्वेश्चन इसको भी कर लेंगे। इसमें भी दीर्घ क्वेश्चन है, यानी 1 दीर्घ क्वेश्चन है, 3 वो आपका अति लघु है, और बाकी 2 क्वेश्चन आपका दीर्घ है, तो इसमें से आप कर देंगे। और अर्थशास्त्र आ गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपको इसी प्रकार के दिया हुआ है। तो स्वयं सहायता समूह से तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि गांव-गांव में योजना चलाई जाती है, बस उसके बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन आपको वैश्वीकरण के घटकों को विस्तार से लिखें, वैश्वीकरण से बहुत सारे फायदे हुए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, इसको भी आप बना लेंगे। इसी तरह से दिया हुआ 3 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 3-2 ही बनाना है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है ये सब बना लेंगे, जन विविधता क्या है इसको बना लेंगे, जनसंख्या घनत्व से क्या भी पड़ा है इसको भी आप बना लेंगे, जो आपको आसान लगे वो चीज़ बना सकते हैं। लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक है, तो इसमें हरित क्रांति के बारे में और भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको लिख देंगे। लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी 29 से 30, यानी कि 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है। तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर, प्राकृतिक आपदा जो खुद से स्वयं से होता है, उसमें कोई बीच में रोक टोक इंसान नहीं करता है, और मानव के द्वारा, जिसे मानव द्वारा जनित आपदा ये है, जैसे आग लगना हो गया, कोई नदी में कूद गया, वो चीज़ जाना, ये अचानक एक्सीडेंट होना या कुछ होना, इसको मानव जनित कहते हैं। प्राकृतिक जो ईश्वर द्वारा होता है, जो खुद स्वयं से होता है, तो इसमें दोनों का अंतर अपना लिख लेंगे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारकों को बताइए, तो बहुत सारे कारक हैं सूखा पड़ने के लिए, इसको आप डिफाइन कर लेंगे। सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के उपाय पता है, बहुत सारा उपाय है, तो इसमें आप इस तरह से इसको कर लेंगे। सुदूर सनदी उपग्रह क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें। यहाँ से हुआ आपका टॉपिक ख़त्म। अब मन लगाकर आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।